हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? काफ़ी दिनों बाद मैं पहले वीडियो में आ रहा हूँ। ऐसे हफ्ता भी उसे होस्ट करता रहा, तो आई होप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी वीडियोस देख रहे होंगे। तो अगर नए हैं मेरे इस चैनल पे तो मुझे फॉलो करें या फिर मुझे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी किया करें तो लोग शेयर कर सकते हैं आप लोग। आपको लिए भी बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हो सकती है। बाकी मैं डेली एक्टिविटीज़ दिखाता हूँ इस चैनल पर, तो बने रहिए, मस्त रहिए। और मेरा इरेक्टाइल डिसफंक्शन नपुंसकता का वीडियो आ चुका है, जो मेरी मेन चैनल खागा फार्मेसी में पड़ा हुआ है। तो उस वीडियो को जाकर के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे लोग जो हैं कंसल्ट नहीं कर पाते, डॉक्टर्स के पास नहीं पहुँच पाते हैं, या फिर जो हमारी मैनफोस की टैबलेट्स हैं या फिर वाइग्रा हैं या फिर टडालाफिल, सिलेनाफिल, जो अवाना फिले टैबलेट जो आती हैं, इनके स्प्रे जेल, बहुत सारी चीज़ें आती हैं मार्केट में। तो बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ मिलती है। जितनी भी चीज़ें हैं इन्हें जितना यूज़ करते हैं आप लोग, कुछ लोग तो इसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं, इतनी नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग तो इसे हर सेक्स में जब भी कभी इंटरकोर्स करने जाते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो उस टाइम पर इसे यूज़ करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। टैबलेट बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो इसका डिटेल वीडियो मैं इस पर तो नहीं बताऊँगा डिटेल में, तो इसका डिटेल वीडियो आप जाकर के मेरे चैनल पर देख लीजिएगा। बाकी बनी रही है, और भी बहुत कुछ दिखाने हैं। जैसे अभी मैं उसके कुछ शॉट्स हैं जो फाइनल कर लिए हैं मैंने, उन्हें एक्सपोर्ट में लगाना है, तो आप देख सकते हो ये उसके शॉर्ट वीडियोस हैं, कई सारी हैं। तो वो मैंने एक्सपोर्ट कर ली, मतलब एक्सपोर्ट में करने वाला हूँ। अभी मैंने फाइनल कर लिया है तो उनका एक्सपोर्ट बहुत जल्दी लगाने वाला हूँ। तो मुझे लगा आज एक ब्लॉग हो जाता है, काफ़ी दिनों से मतलब ऐसा रैंडम ब्लॉग नहीं शूट किया, तो सोचा आज कर लेते हैं, तो लगा हुआ हूँ। बाकी आज कल शायद मैं कहीं और होऊंगा, तो अगर होगा तो मैं एक अलग ब्लॉग में, दूसरे ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा कि मैं कल कहीं जाने वाला हूँ, एक कैंपस में जाने वाला हूँ, तो मैं दिखाऊंगा। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। बाकी आज का मौसम बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो मौसम बाहर बहुत अच्छा है, धूप बिल्कुल नहीं है, कूल सा मौसम है। मेरे यहाँ तो एसी चल रहा है, लेकिन बाहर भी मौसम ठीक है, नॉर्मल है, अच्छा है। गर्मी ज़्यादा है, जैसे सुबह टाइम में धूप निकल आई थी तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई। तो मैं भी सुबह जब डस्टिंग कर रहा था तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीग गया था पसीने से, बट अभी ठीक है, इट्स ओके, तो ये नॉर्मल हो गया। और सुबह से मैंने ज़्यादा कुछ काम नहीं, दो तीन पेशेंट देखे थे, उसके बाद काफ़ी लोग आए मेडिसिन लेने, बस ये चल रहा था। और फिर मैंने सोचा लाओ मैं शॉर्ट्स जो हैं मेरे, रील्स हैं जो मेरी छोटी वीडियोस हैं, उनको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, तो उसी को लगा हूँ, फाइनल कर लिया है मैंने। और 10-15 रील्स हैं जो निकालूंगा, तो उनको ज़रूर देखिएगा। और आप लोग देखते नहीं हैं तो जाइएगा, ज़रूर देखिएगा। छोटी वीडियोस में बहुत यूज़फुल जानकारी दे देता हूँ, दवाओं के ऊपर, डिजीज़ के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर, और कुछ बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स होते हैं, तो उनको ज़रूर देखिएगा। बाकी बने रहिए, अभी और भी दिखाऊँगा आपको डेली की एक्टिविटीज़। फाइनली मेरी रील्स जो हैं वो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गई हैं, और ये जो है 7वें नंबर की रील एक्सपोर्ट हो रही है। अभी काफ़ी फास्ट रेंडरिंग है इस टाइम पे मेरे प्रीमियर प्रो की, मेरे मैकबुक की। ये है मेरा मैकबुक प्रो, और आई होप ये आधे से 30 से 35 मिनट में सारे के सारे वीडियोस अराउंड मेरे पास जो वीडियोस हैं वो टोटल वीडियोस 25 वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं 25 वीडियोस हैं। तो जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी की सारी है, मे बी 30 से 35 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएंगी, रेंडर हो जाएंगी। बाकी बने रहिए इस व्लॉग में, और ये रील्स ज़रूर देखिएगा। रील्स भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन डिजीज़ को लेकर के हैं, तो रील्स में डेली 10:30 बजे और फिर 1:30 बजे, फिर 4:30 बजे और 7:30 बजे डेली डालता हूँ, मतलब 10 से 11 के बीच में, 1 से 2 के बीच में और 4 से 5 के बीच में और 7 से 8 के बीच में मैं डेली डालता हूँ। और कई बार होता क्या, जैसे कोई मतलब दिन अच्छे जा रहे हैं, जैसे व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, तो उस दिन मैं 9 से 10 या 10 से 11 के बीच में रात में सोते समय भी कभी कभार, बहुत रेयर केसेज में, अरे कहना क्या चाहते हो, रील्स डाल देता हूँ। बाकी ऐसे मैं रील्स नहीं डाल, रील्स मैं 4 ही रील्स अपलोड करता हूँ, और लॉन्ग वीडियो 2 से 3 दिन में एक लॉन्ग वीडियो आ जाता है मेरे मेन चैनल पे डिजीज़ के ऊपर। बाकी इसके बाद का जो टॉपिक है शायद हमारा मास्टरबेशन के ऊपर है,
मैथुन एक नया टॉपिक है, और अभी हम सेक्सुअल सीरीज जो सेक्स डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, उन पे ही डिस्कस करने वाले हैं। अभी देखते हैं कितने टॉपिक्स होने वाले हैं। आई थिंक बैक टू बैक 50 से 45 वीडियोस हमारी सेक्सुअल टॉपिक्स को लेकर की हैं, तो बने रही। बाकी बीच में कुछ रैंडम टॉपिक्स भी मिलेंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। बाकी इस ब्लॉग को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी देखते रहिए। हेयर फॉल बहुत होता है लोगों का, सभी का, फिर गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, बड़े बुजुर्ग कोई भी हो, सबका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो अच्छा फूड लें, और इस टाइम पे इंडाइजेशन का प्रॉब्लम बहुत रहता है ऐसे गर्मी में, तो उसका भी काफ़ी ध्यान रखें। बाकी आफ्ताब आ चुका है, तो आफ्ताब कह रहा था मुझे कुछ कहना है भैया। आज मौसम बड़ा बढ़िया है, ठंडा आ रहा है। दिक्कत तो मौसम दिखा दे यार, मैं दिखा नहीं पाया। इतना बढ़िया मौसम है कि धूप एक बिल्कुल भी ज़्यादा, जिसको कहते हैं धूप वो ज़्यादा ले गया। देखिए मज़ेदार लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है। और भैया भी अंदर गए तो खाना खाने, अंदर ओवन है, भैया कहें बाहर में एसी में बैठ के खाऊंगा। एसी लगा रहा है। बहुत जल्दी बाहर का भी व्लॉग मिलेगा, खा खा कर देख देख के आप बोर हो गए होंगे। तो अभी लोकेशन नहीं बताऊंगा, नहीं सरप्राइज वो जो है हाई वो हो जाएगा। भैया जाने वाले हैं, फिर उसके बाद नया कुछ आएगा। एक हाँ, एक कल बाहर का मिल सकता है। कल नहीं, मतलब जो अगला व्लॉग होगा वो मिलेगा कल। ये रील वील एक्सपोर्ट हो रही है भाई, इसमें एक्सपोर्टिंग तो बहुत टाइम लेता है यार। एक सॉन्ग हमारे इस धोखे में था कि कल डॉक्टर आएंगे, तो मैं तैयारी कर रहा था, फिर मुझे भैया याद दिलाए कि कल नहीं, उसके अगले सैटरडे आएंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अच्छा प्रैंक हो गया मेरे साथ, कोई नहीं बाहर कुछ भी क्रिएटिव से करेंगे यार। अभी कोई आ नहीं रहा है, तब सन्नाटा है, बस उसको पकड़ के रोज उठ मार के। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि पहले मैं आज एक वीडियो शूट कर लेता हूँ, जो कि हमारा आज का टॉपिक क्या है, प्री मेच्योर इजैकुलेशन, जिसे हम शीघ्र पतन बोलते हैं। थोड़ा सा हंसी आ रहा होगा, लेकिन आजकल अभी मेरे कुछ टॉपिक्स ऐसे रहेंगे, तो आज मैं उसको शूट कर लेता हूँ। आज मैं थोड़ा ग्रीन स्क्रीन पे शूट करने का प्लान कर रहा था, लेकिन मैंने अभी डिच कर दिया, बाद में करूँगा। एनी वे बने रही व्लॉग में, और भी कुछ चीज़ें दिखाऊँगा। तो ये है मेरा लाइट, मेरा मेज, मेरा टेबल, कुर्सी, ये मैं वीडियो कर लेता हूँ फटाफट से शूट। और मेरी लाइट्स अच्छी लग रही है, लाइट भी मेरी जल रही है, सॉफ्ट बॉक्स लाइट है, तो उसे शूट कर लेता हूँ। मेरा ये है टॉपिक, ये रखा हुआ है, तो आज मैं इसे ही बनाने वाला हूँ। हमारा जो है आज का टॉपिक प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। और ये रहा मेरा कैमरा जो इधर देख रहा है, और आफ्ताब भी कह रहा था कुछ बचा नहीं। बाकी वीडियो शूट हो चुका है, इसका रील्स और लॉन्ग वीडियो भी शूट कर दिया है मैंने, फाइनल हो गया है। और आपको नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते की मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को मिल जाएगा, क्यों आफ्ताब? हाँ, 4-5 दिन बाद मिलेगा वीडियो। बाकी एक ब्लॉग अभी पेंडिंग है, वो कल तक पड़ेगा, हो सकता है भैया शाम तक कुछ है ना, भैया आप शाम तक कुछ ऐसी कुछ आसपास की चीज़ें दिखाएं, क्योंकि हमारा जो एरिया ना, वहाँ कुछ ना कुछ होता रहता है। अभी मैं एक समोसा ले मतलब खाने गया था, तो उनसे मैंने कहा चटनी था, गद्दारी कर दे। अरे जब आप अंदर वीडियो बना रहे थे, मैंने मौका पर चौका बेटे, ओ बेटा मौज कर, हमने मैंने कहा चटनी डाल दीजिए, कहे क्यों नहीं चटनी डलवाया, वहाँ पे हाथ से मैंने कही आधा किलो से गए भाई। शत्रुघ्न भैया के पास गया समोसा खाने। तो एनी वे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।